वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और मेरे सारे प्यारे बच्चों का मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के नए वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर दिया था और गाइस हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लग सकता था अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के उन दो पैराग्राफ को पढ़ते लेकिन हम लोगों ने क्या करा जब उसको टेबल बनाकर जब ऑक्सीडेशन स्टेट बनाकर उसको विजुअलाइज करा तब चीज ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हुई उसके अलावा हम लोग सब जानते हैं कि अगर आपसे कोई बोलता है कि इस ग्रुप में नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो आप जवाब देंगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो कर सकता है एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड हाई आयोनाइ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कारणों की वजह से नाइट्रोजन इस तरीके से बिहेव करता है और आप लोगों को एक बात तो लगी गई होगी कि नाइट्रोजन को छोड़ के इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स की कुछ सिलेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट ही है जैसे कि अगर अपन बात करें माइनस थ्री रेयर केसेस में फॉस्फोरस माइनस टू शो कर सकता है बाकी प्लस थ्री और प्लस फाइव जनरली ये लोग यही शो करते तो यहां पर एक सवाल आता है कि नाइट्रोजन में ऐसा क्या है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है एंड दैट प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी स्टडी करने वाले दैट इज कॉल्ड एस एनोमेलस बिहेवियर ऑफ एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन अंकल हमारे नाइट्रोजन अंकल का एनोमेलस बिहेवियर काहे होता है व्हाट डू यू मीन बाय एनोमेलस एनोमेलस का मतलब होता है हर ग्रुप का वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी बाद में आने वाले एलिमेंट्स से अलग होती है फिजिकल प्रॉपर्टी भी एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो व्हाट डू बाय एनोमेलस बिहेवियर एनोमेलस बिहेवियर का मतलब होता है दैट द फिजिकल एंड केमिकल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स बाकी के ग्रुप एलिमेंट्स के मुकाबले बाकी के ग्रुप एलिमेंट्स के मुकाबले जो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या शो करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करता है और अब एक काम करते हैं वैसे तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है आइनशन दिल भी सबसे ज़्यादा होती है साइज सबसे छोटा होता है डी एफ ऑर्बिटल इसके अंदर नहीं होते हैं इस वजह से ये अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ये कैटनेशन शो नहीं करता ये इसकी कोवेलेंसी चार ही होती है और व्रु और व्रु और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं लेकिन अब अपन एक काम करते हैं एक एक करके सारे एनोमेलस बिहेवियर को फिर से पॉइंट आउट करते हैं लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों को संजीवनी बूटी रखनी है अपने पास में वो है रीजन आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि एनोमेलस प्रॉपर्टी बताओ आपको एनोमेलस प्रॉपर्टी बताई जाएगी और पूछा जाएगा कि काहे काहे करते हो ऐसा समझ रहे हो तो सबसे पहला रीजन क्या होगा प्यारे बच्चों स्मॉलर साइज या स्मॉलेस्ट साइज याने हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका ग्रुप में साइज सबसे छोटा होगा उस ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी मैं एक ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं जैसे यहां पर मैं सिर्फ नाइट्रोजन के केस में आएम ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रुप 15 मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 15 की बात कर रहा हूं मेरे लाडले गुलगुले बच्चों गुलाब जामुन रसगुल्लो रसमलाइयो पिज्जा वालों समझ में आ रही है बात उसके अलावा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है साइज सबसे छोटा है तो आयोनाइजेशन इंथेलेशन इंथेल भी, भी सबसे ज्यादा होगी।, सब होगी तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा और जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखेंगे नाइट्रोजन का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वन एस टू होता है और सेकेंड शेल में डी ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है डी ऑर्बिटल पहली बार जो इंट्रोड्यूस होता है वो थर्ड एनर्जी लेवल पर होता है थर्ड शेल में होता है डी ऑर्बिटल तो नहीं है इसलिए बोला जाएगा एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स डी एंड एफ ऑर्बिटल्स की इसके पास में क्या होती है कमी होती है इसी वजह से ये इस प्रकार की अलग 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 अलग, 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 अलग प्रॉपर्टी शो करता है क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई तो सबसे पहले आप ये और ये और रीजन लिख लो फिर अपन बोर्ड पर जगह बनाकर बट बिफोर दैट स्क्रीन शॉट ओके okay, मेरे प्यारे लोगों लो ने लिख लिया मूव शेल बहुत बढ़िया तो गाइज अब हम लोग यहां पर फटाफट से एनोमेलस प्रॉपर्टीज एक एक करके हमारे नाइट्रोजन अंकल की डिस्कस करेंगे और बात करेंगे इस बारे में कि नाइट्रोजन का क्या क्या एनोमेलस बिहेवियर है और किस तरीके से ये बिहेव करता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है तो गाइस सबसे पहली प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की डेट नाइट्रोजन इज डायटोमिक नाइट्रोजन इज डाय अटोमिक वाइल अदर वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स आर टेटरा अटोमिक आर टेटरा अटोमिक दैट इज फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करेगा पी फोर आरसेनिक ए एस फोर एंटी मनी एस बी फोर ठीक है वेयर एज नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा एन टू के फॉर्म में क्या यह चीज क्लियर हो रही है अब आपसे इसका अगर कोई सवाल पूछे कि ऐसा क्यों कि नाइट्रोजन क्यों डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो आप इसका रीजन लिखेंगे दैट ड्यू टू स्मॉल साइज सबसे पहले तो नाइट्रोजन का क्या होता है स्मॉल साइज होता है उस वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और उस वजह से नाइट्रोजन क्या करता है नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाए पी पाई बॉन्ड विथ इट्स खुद ही के साथ में पी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेता है इसीलिए नाइट्रोजन हमेशा एन टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दो नाइट्रोजन के बीच में आपको एक सिगमा बॉन्ड मिलता है जो कि एस पी एस पी हाइड्रोडाइजेशन से बनता है हमने पिछले वीडियो में सीखा था दूसरा यह पाए बॉन्ड बनाता है और तीसरा भी यह पाए बॉन्ड बनाता है जो पी एक्स पी एक्स और यह वाला पी वाई पी वाई की ओवरलैपिंग से बनता है तो यह गाइस इस बात आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लियर थी तो यहां पर मैंने सिर्फ बोला है एक्सप्लेनेशन ने पिछले वीडियो में सीख लिया था तो नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई पी पाई बॉन्ड इज इसके अंदर आपको एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा एंड आपको इसके अंदर दो पाई बॉन्ड्स मिलेंगे समझ में आ गई बात आपको कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की तो नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों होता है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा होता है इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, इतनी ज़्यादा हाई होती है कि नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर लेते हैं लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी पी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाते क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जाता है तो इनका पी ऑर्बिटल डिफ्यूज़ हो जाता है तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लीजिए वेर एज फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी ड्यू टू ग्रेटर या ड्यू टू लार्जर साइज ड्यू टू लार्जर साइज दे आर पी ऑर्बिटल दे आर पी ऑर्बिटल गेट्स डिफ्यूज गेट्स डिफ्यूस्ड एंड आर नॉट पोटेंट इनफ यानी इतना पोटेंशियल नहीं होता इसके अंदर एंड दे आर नॉट पोटेंट इनफ टू फॉर्म पी पाए पी पाए बॉन्डिंग क्या यह मेरे प्यारे बच्चों का पहला एनोमेलस प्रॉपर्टी क्लियर हो गई क्या पहली एनोमेलस प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से क्लियर हो गई प्यारे बच्चों प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछ लीजिए सेकेंड एनोमेलस प्रॉपर्टी सेकेंड एनोमेलस प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती है दैट नाइट्रोजन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी लीस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे पहली बात तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आप लोगों को कैटेनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ आइडिया है कहीं नाम सुना है क्या ये सुनेला सुनेला लग रहा है बेटा कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटेनेशन का मतलब क्या होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ वो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ वो नाइट्रोजन तीसरे नाइट्रोजन के साथ चौथे नाइट्रोजन के साथ मैं फ्रेम के बाहर चला गया वापस अंदर आता हूं मतलब नाइट्रोजन 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 जुड़ता जाए जैसे कार्बन कैसा करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन जुड़ के सौ कार्बन लंबी चेन बन जाती है 500 कार्बन लंबी चेन बन जाती है हजार कार्बन जितनी लंबी चेन बन जाती है मतलब कार्बन की कार्बन से जुड़ने की प्रॉपर्टी हाइएस्ट है इस दुनिया में इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन पर बेस्ड होने के बाद भी इतनी वर्सेटाइल है क्यों कार्बन कार्बन से जुड़ता जाता है और एन नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता जाता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी लेकिन नाइट्रोजन के पास में कैटेनेशन प्रॉपर्टी लीस्ट होती है बट अदर मेंबर बट अदर मेंबर्स शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी अदर मेंबर्स शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी अब इसके पीछे क्या रीजन होगा इसके पीछे रीजन यही है क्या रीजन है नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ में पी पाई पी पाई बॉन्ड बना के ट्रिपल बॉन्ड बना लिया लेकिन कैटेनेशन के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर अ सिंगल बॉन्ड कैटेनेशन करने के लिए आपको सिंगल बॉन्ड होगा तो यहां पर होता क्या है जब आप देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अगर कभी सिंगल बॉन्ड बने तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ये जो सिंगल बॉन्ड होता है दिस सिंगल बॉन्ड इज वीक दिस सिंगल बॉन्ड इज वेरी वीक अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड यानी कि ये तो सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये वीक कैसे ये वीक इसलिए होगा अच्छा यहां पर नाइट्रोजन स्ट्रॉग क्यों है क्योंकि भाई साहब नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आपका नाइट्रोजन यहां पर स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहां पर नाइट्रोजन में अगर अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही रहे तो नाइट्रोजन बहुत वीक हो जाएगा कारण समझो अभी क्या हो रहा है नाइट्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाए लेकिन क्या होगा नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है नाइट्रोजन का साइज इतना स्मॉल है कि इसके जो दोनों लोन पेयर हैं यह एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे यहां पर ड्यू टू स्मॉल साइज ड्यू टू स्मॉल साइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द नाइट्रोजन विल रिपेल ईच अदर विल रिपेल ईच अदर और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इतना ज्यादा हाई रिपल्शन होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से यह सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाता है यह सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाता है अगर सिंगल बॉन्ड टूट गया तो काहे का कैटेनेशन का आपने एक नाइट्रोजन से दूसरा दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा जोड़ोगे उतने में तो पहला वाला फिर टूट जाएगा तो क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कभी नहीं बना सकता सिंगल बॉन्ड कभी बनाकर वो स्टेबल रह नहीं सकता तो उसको मजबूरी में ट्रिपल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिए तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई तो अब ये नाइट्रोजन किसी और नाइट्रोजन से और ये नाइट्रोजन किसी और नाइट्रोजन से जुड़ ही नहीं सकता समझ गए बात को यहां पर ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से क्यों जुड़ता क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी कैसे देखो मैं आपको बताता हूं क्या मैं ये वाला साइड रब कर दू पक्की बात जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मैं रब करने वाला हूं एक दो हूं रब नाम है हाँ। तो नाइट्रोजन है एक लोन पेयर यह एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करा फिर यह एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा फिर यह एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा तो आप तो समझ रहे हो इस तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ये शेयरिंग हो जाएगी लेकिन क्या हो रहा है ये नाइट्रोजन का साइज इतना छोटा है ये नाइट्रोजन का साइज इतना स्मॉल है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर इसको इसके लोन पेयर इसको इसके लोन पेयर इसको इसके लोन पेयर इसको क्या करेंगे रिपेल करेंगे और इनके आपस में इतना रिपल्शन हो जाएगा कि ये सभी बॉन्ड सभी बॉन्ड टूट जाएंगे क्या बात समझ में आ रही है वजह से नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड कभी बन ही नहीं पाएगा लेकिन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी का साइज बड़ा होने की वजह से इनके लोन पेयर का रिपल्शन कम हो जाता है और वो कैटेनेशन शो करने लग जाते हैं समझ में आ गई बात आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं तो अगर आपसे कोई बोले कि नाइट्रोजन कैटेनेशन क्यों नहीं शो करता तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ द नाइट्रोजन विल रिपेल अदर एंड ड्यू टू रिपल्शन देयर सिंगल बॉन्ड विल बी वेरी वीक इनका सिंगल बॉन्ड क्या होगा बहुत ज्यादा वीक होगा क्या यह बात समझ में आ गई आगे बढ़े चलिए पहले इतना नोट कर लिया आपने कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर ठीक है अच्छा यहां तक कोई दिक्कत अच्छा अपन एक काम करते हैं कैटेनेशन का है? एक स्टेटमेंट और लिख लो सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वेरी वीक इज वेरी वीक बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एस कंपेयर्ड टू फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड आर्सेनिक आर्सैनिक सिंगल बॉन्ड एंड एंटी मनी एंटी मनी सिंगल बॉन्ड और आप लोग जानते हो ना इसी वजह से नाइट्रोजन हमेशा एन टू के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन फॉस्फोरस पी फोर आरसेनिक ए एस फोर और एंटी मनी एस बी फोर के फॉर्म में रहता है अच्छा आप लोगों को एक डाउट और हो रहा होगा कि सर आप बिस्मत क्यों नहीं लिख रहे हो बिस्मत तो मेटल है स्मत तो मेटल है वो तो मेटेलिक बॉन्डिंग करेगा इन लोगों की तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं करेगा इसलिए उसको डिस्कस करने का कोई सवाल ही नहीं है टेट्रा एटॉमिक फॉर्म फॉर्म में में भी एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉर्म में करता तो है ठीक है चलिए तीसरी एनोमेलस प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन एंड टू विच इज गैशियस एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन इन गैशियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज इनर्ट वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स वाइल अदर ग्रुप मेंबर्स आर रिएक्टिव आर रिएक्टिव इसकी बात समझ में आई यानी अगर आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्यों रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि बेटा आप लोग सब जानते हो देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कैसा है देर इज अ ट्रिपल बॉन्ड देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड वन सिगमा ट्रिपल बॉन्ड वन सिगमा एंड टू पाए बॉन्ड देयर फोर जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड इंथेल्पी हो जाती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड इंथेल्पी हो जाती है वो बढ़कर नाइन फोर्टी सिक्स पॉइंट एट किलो जूल्स पर मोल हो जाती है जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अचीव करना नामुमकिन है आपको इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तब यह बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ही नाइन फोर्टी सिक्स पॉइंट एट किलोजूल पर मोल की एनर्जी लगेगी जो बहुत ज्यादा हाई है समझ गए प्यारे लाड़ लो इस बात को क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि फॉस्फोरस अगर पी फोर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे फॉस्फोरस के अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे आर्सेनिक के अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे एंटीमनी के अंदर सिंगल बॉन्ड होंगे और अगर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है तो ये सिंगल बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये फॉस्फोरस किसी और एटम के साथ ये फॉस्फोरस किसी और एटम के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना सकता है लेकिन यहां तो रूम टेम्परेचर पे इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए ना मुमकिन हो जाता है इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ना तो एक दूसरे को छोड़ेगा ना किसी और एटम के साथ किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड बनाएगा ठीक है तो यह हो गई आपकी थर्ड एनोमेलस प्रॉपर्टी दिस इज योर थर्ड एनोमेलस प्रॉपर्टी फोर्थ एनोमेलस प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं नाइट्रोजन हैव मैक्सिमम कोलेंसी हैव अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फोर है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी फोर क्या हो रहा है ये मैक्सिमम कोवेलेंसी फोर यानी नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है फोर ना व्हाट डू इन बाई को बेटा कोवेलेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि एक एटम बना सकता है इसको ऐसे याद रखना बस एक एटम कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है अब इसकी को फोर कैसी होगी तो आप जरा नाइट्रोजन का अटोमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए वन एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए टू एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ गए टू पी वाई और टू पी जेड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए अब आप सब इस बात को जानते हो कि नाइट्रोजन अपने इन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा और तीन बॉन्ड बना लेगा लेकिन जब अपन इसको हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो सबसे पहले आप बनाओ इसका हाइब्रिडाइजेशन तो नाइट्रोजन ने यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ऑक्यूपाई कर लिया sp3 तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन यहां पर आ गया एक लोन पेयर जो कि टू एस ऑर्बिटल का है तो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है फिर एक दो और तीन sp3 थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये sp3, ये sp3 और ये sp3 हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन ने एक दो और तीन बॉन्ड बनाए लेकिन बेटा एक बात समझना आपको एक बॉन्ड वैसे तो पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो कैसे बनता है जब किसी एक एटम के पास लोन पेयर हो तो ये अपना पूरा का पूरा लोन पेयर किसी एक सब्सटेंस के साथ किसी एक एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया इसको नोट करो वीडियो पॉज करके ताकि मैं इसको रब कर सकूं चलिए तो यहां पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है देखिए तो नाइट्रोजन ने अमोनिया तो बना लिया इतना तो आपको मालूम है है ना और यहाँ पर हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा एस ऑर्बिटल तो एस 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 प्रोटॉन जिसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह नाइट्रोजन क्या करेगा इसके पास में इस नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसके साथ में शेयर कर लेगा तो अब इस हाइड्रोजन को देखने में ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन का भी ड्यूपलेट पूरा है मतलब हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है वैसे तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हाइड्रोजन क्या करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम से शेयर करके अपने ड्यूपलेट को पूरा कर लेता है इस तरीके से ये देखो तो हर हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अब ये हाइड्रोजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन शो कर दिए नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और नाइट्रोजन के पास में कोई चिंता नहीं है नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट देखो पूरा हो ही गया है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो इस मामले में सब खुश हो गए तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन ने कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाए इसने तीन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए कोवेलेंट बॉन्ड जो कि सिग्मा टाइप के हैं और एक इसने बनाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो टोटल तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए चार बॉन्ड क्या नाइट्रोजन इससे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है नहीं क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल की कमी है नाइट्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट वैसे तो नहीं लगेगा अगर रिपल्शन लगाएगा भी तो यह इलेक्ट्रॉन जंप करके कहीं जा नहीं सकता यह इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे कहां जाएगा आगे कोई जगह ही नहीं है अगर टू डी ऑर्बिटल होता अगर टू डी ऑर्बिटल होता तो ये वहां जाके बैठ जाता लेकिन सेकेंड शेल पर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो डी ऑर्बिटल एबसेंट होने की वजह से इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी चार तक ही जा पाती है तो इसका रीजन क्या होगा ड्यू टू एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन इट कैन शो ओनली अ कोवेलेंसी ऑफ फोर यह सिर्फ फोर को वैलेंसी शो कर सकता है क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ प्यारे बच्चों ठीक है वहीं अगर, अगर अपन बात करें दूसरे एलिमेंट्स की वहीं अगर अपन बात करें दूसरे एलिमेंट्स की जैसे फॉस्फोरस की तो फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी कैन शो वेलेंसी अपू सिक्स को वेलेंसी अप टू सिक्स इनकी कोवेलेंसी सिक्स तक जा सकती है क्योंकि इन सबके पास में डी ऑर्बिटल आ जाते हैं और डी ऑर्बिटल खाली भी होते हैं जैसे के अंदर आप सब लोग जानते हो थ्री डी खाली होता है आर्सेनिक के अंदर फोर डी खाली रहेगा एंटीमनी के अंदर फाइव डी खाली रहेगा तो आप देखोगे भी एक कंपाउंड आपको मिलेगा पी एफ फाइव तो आप देखो पी एफ फाइव के अंदर फॉस्फोरस ने पांच बॉन्ड बनाए फिर आपको एक बॉन्ड दिखेगा ए एस एफ सिक्स और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर माइनस वन चार्ज रहेगा जैसे ये इस कंपाउंड को आप आप क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इसको NH4 positive. इसको पॉजिटिव बोलेंगे अमोनियम आयन ये क्या है ammonium है अमोनियम अमोनियम आयन वाई क्योंकि इस पर एक प्लस चार्ज है क्योंकि ये हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ये शेयर कर रहा है पर असलियत में तो कोई चार्ज नहीं है आई I मीन mean, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्लस चार्ज हो गया इस पर वैसे यहां पर फ्लोरीन एक एक्स्ट्रा है इसलिए इस पर एक माइनस वन चार्ज है जो अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स एन आयन है ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स एन आयन है लेकिन उसके बावजूद आप देखो आर्सेनिक ने छह बॉन्ड बना रखे फिर उसके बाद तो देखेंगे नेगेटिव तो इस तरीके के जो आयन होंगे इन सब में आप देखो या तो इनके पास में छे कम छह फ्लोरिन है या तो इनके पास में पांच फ्लोरिन है तो इनकी कोवेलेंसी फोर भी हो सकती है फाइव भी हो सकती है और सिक्स तक जा सकती है मैक्सिमम सिक्स तक जा सकती है लेकिन नाइट्रोजन ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है क्या यह बात समझ में आ गई ये कंपाउंड एक्सपेरिमेंटली देखे गए हैं दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं इसमें यह सवाल में पूछना कि सर ये कैसे बना ये एग्जिस्ट करते हैं ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपन सीखेंगे कि ये कैसे बने बट ये एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कोवेलेंसी दिख रही है क्लियर नोट करो फोर्थ को वैलेंसी, आई मीन फोर्थ प्रॉपर्टी एनोमेलस प्रॉपर्टी फोर्थ वाली नोट करो ओके okay, लाल लो बच्चे मेरे प्यारे प्यारे हो गया मेरा प्यारा दोस्तों आज हम लोग नाइट्रोजन से बात करेंगे इसके धजिया उड़ा देंगे बता देंगे इसको हमारे सामने कुछ असंभव नहीं है क्या बोलते हो चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन इट के नॉट फॉर्म क्या आप तैयार हो सुनने के लिए दिल पे हाथ रख लो ध्यान से फोकस करके एक नए बॉन्ड का नाम सुनो पी पाए डी पाए बॉन्ड्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ पी पाई पी पाए बना सकता है लेकिन पी पाए डी पाए नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं देखो चलो पहले फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बताओ वन एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ठीक साहब टू एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ठीक साहब टू पी के अंदर छह इलेक्ट्रॉन ठीक साहब थ्री एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और थ्री पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन लेकिन लेकिन जब इसके सामने ऑक्सीजन जैसा एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो ऑक्सीजन बोलेगा अंदर और अंदर से भी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा तो यहां पर कोई खास इनर्ट पेयर इफेक्ट ना लगने की वजह से भाई इनर्ट पेर इफेक्ट का मतलब क्या होता है इनर्ट पेर इफेक्ट का मतलब क्या होता है वैलेंस शेल का 3s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो पेयरड है वो अनपेयरिंग से मना कर दे मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आने से मना कर दे तो ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो होता है इनर्ट पेर इफेक्ट यहां पर कोई खास इनर्ट पेर इफेक्ट है नहीं अब आप देख लो कि इसके पास में पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है अब हाइब्रिडाइजेशन होगा लेकिन क्योंकि हम जो कंपाउंड बना रहे हैं उसका नाम है सी एच थ्री होल थ्री पी डबल बॉन्ड ओ अब क्योंकि यहां पर फॉस्फोरस ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड होने की वजह से जो डी ऑर्बिटल होगा ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था कि अगर डबल बॉन्ड बनाना हो अगर डबल बॉन्ड बनाना हो तो हाइब्रिडाइजेशन वहां पर काम नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहां पर आप देखो यहां पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड और यहां पर फॉस्फोरस के साथ में तीन मिथाइल ग्रुप तीनों से सिंगल बॉन्ड तो फॉस्फोरस को यहां पर चार सिंगल बॉन्ड बनाने तो वो क्या करेगा अंदर के चार ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा तो ये sp3 से बनेगा ये भी sp3 से बनेगा ये भी sp3 से बनेगा और ये भी sp3 से बनेगा लेकिन ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में वो इस अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल से बनेगा अब सामने आया ऑक्सीजन सामने कौन आया ऑक्सीजन अब आप लोग सब जानते हो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसका 2s पूरी तरीके से भरा हुआ ये उसका 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे अब यहां पर आप देखो यहां पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये कैसे बनेगा यह बनेगा नाइट्रोजन का एस पी थ्री और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल पी वाई वाला क्योंकि यह न्यूक्लियस की एक्सिस में माना जाएगा तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी यह सिग्मा बॉन्ड बनाएगी तो यह वाली जो ऑक्सीजन और इसके अंदर सिग्मा बॉन्डिंग है इसका नाम क्या होगा एस पी थ्री पी वाई ओवरलैपिंग क्योंकि ऑक्सीजन का पी वाई ऑर्बिटल नाइट्रोजन के sp3 के साथ जा रहा है अब इसका क्या होगा 2pz का ये 2pz और इसका 3d इसका 3d और इसका 2p इसका 3d इसका 2p इसके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर लेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर लेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा ये कैसे बनेगा ये बनेगा ऑक्सीजन के pz और नाइट्रोजन के dx y की वजह से तो इसीलिए इस

R की जगह पर कुछ भी हो सकता है सी एच थ्री सी टू एच फाइव बेनजीन रिंग एक्सेट्रा यहां पर R की जगह कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O ये कंपाउंड नेवर एग्जिस्ट ये इस दुनिया में होता ही नहीं है इट नेवर एग्जिस्ट इन दिस दुनिया दुनिया में लोगों ने फिर अपने दिल सा में आया हूँ लेकर में फिर कितने हंगामे हो गया कोई दिक्कत देख लो इसको फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं जरा देख को न गया है चलो फटाफट फड़ लिखो इसको करे रब ले लिया स्क्रीनशॉट चलिए जमाने पे जो छा गया है खुली किसकी है निगा है। नहीं चलो ठीक है आगे बढ़े सिक्स पॉइंट लेट्स टॉक अबाउट सिक्स पॉइंट नाइट्रोजन कैन शो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट इज मोस्ट स्टेबल एंड इट इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर्ड टू अदर एलिमेंट्स यानी इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होंगे सिवाय नाइट्रोजन के वाय बिकॉज नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज इट है इन थे इन कारणों की वजह से नाइट्रोजन जिसके साथ में बॉन्डिंग करेगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा माइनस चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा लेकिन बाद के जो एलिमेंट से लाइक फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ आर लीस्ट नॉट बिस्मथ एंटीमनी आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव लार्जर इन साइज एंड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी देयरफॉर ये काफी ज्यादा लेस स्टेबल होंगे और याद करो मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में सिखाया था कि नाइट्रोजन एन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये पी एच थ्री ASH3 थ्री पी एच थ्री ए एस एच थ्री एस बी एच थ्री और बी आई एच थ्री ये सब लोग इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन सभी केसेस में इन सभी के ऊपर माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो बेटा सेवेंथ हमारी एनोमेलस प्रॉपर्टी क्या है सेवेंथ एनोमेलस प्रॉपर्टी है इन सब लोगों को बोला जाता है हाइड्राइट वॉट डू यू मीन बाय हाइड्राइट हाइड्राइट्स का मतलब होता है एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने जब एक कंपाउंड बनाया है उसे हाइड्राइड बोलते हैं ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड ये फास्फोरस का हाइड्राइड या आर्सेनिक का हाइड्राइड या एंटीमनी का हाइड्राइड ये बिस्मत का हाइड्राइड तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे दैट ओनली एन एच थ्री इज स्टेबल पी एच थ्री इज स्लाइटली स्टेबल यानी हल्का फुल्का स्टेबल होगा इज स्लाइटली स्टेबल बट ए एस एच थ्री एस बी एच थ्री एंड बी आई एच थ्री आर हाईली अनस्टेबल यह सब क्या होते हैं दे ऑल आर हाईली अनस्टेबल मेरे प्यारे बच्चों क्यों हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है साइज बढ़ता जाता है इसलिए इन लोगों की हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता खत्म होती जाती है और यह कंपाउंड अनस्टेबल होता जाता है क्या चीज क्लियर है अच्छा आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है हम लोग सब जानते हैं दैट अमोनिया क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर एनएच थ्री मॉलिक्यूल्स ये लोग एक अमोनिया दूसरे अमोनिया के साथ तीसरे चौथे अमोनिया, अमोनिया अमोनिया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं लेकिन बट नॉट अदर्स नॉट अदर्स जो दूसरे हैं ये 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 सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते तो इनकी स्टेबिलिटी वैसे भी खत्म हो जाती ये सब फटाफट टूट के बाहर भाग जाते हैं ठीक है कोई दिक्कत पक्की बात नोट इट डाउन हो गया चले आगे बढ़े रब करें इसको ठीक है दुनिया फिर जीतने आया कौन टॉन का इंतजार तो ग्यारह मुल्कों की पुलिस कर रही है हे हे चलो आगे बढ़े हाँ हम्म hmm? आगे बढ़े हे hey, चलो आगे बढ़ते हैं हाँ सेव पॉइंट को डिस्कस करते हैं <laughs> देखो नाइट्रोजन कैन शो नाइट्रोजन कैन शो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट्स समझ गए बाकी दूसरे करते हैं क्या हम लोग जानते हैं नहीं करते वाइल अदर एलिमेंट्स नॉट बाइल अदर एलिमेंट्स शो ओनली माइनस थ्री प्लस थ्री एंड प्लस फाइव जिसमें माइनस थ्री भी क्या होता है बहुत रेयरली शो करते हैं और वैसे भी हाइड्राइड्स अनस्टेबल होते हैं तो अपन इसको बोल सकते हैं कि बाकी सबकी माइनस थ्री भी क्या होती है अनस्टेबल होती है और एक एक्सेप्शनल केस याद रख लो फॉस्फोरस कैन शो माइनस टू ऑल्सो कैन शो माइनस टू ऑल्सो ये अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट वाले वीडियो में सीख लिया था ठीक है प्यारे बच्चों तो बस इतनी कुछ एनोमेलस बिहेवियर आपको नाइट्रोजन का याद रखना है और आपका काम हो जाएगा तो गाइस चलो इसी के साथ अपना टॉपिक अपन आज खत्म करते हैं इसको नोट कर लीजिएगा इसके आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में आई होप मजा आया होगा वीडियो में अगर पसंद आया तो लाइक कर दो दोस्तों के साथ शेयर करो सब्सक्राइब करो ग्रेविटी सर्कल को आज तलब इस तरह